ये जो शिप है इनमें हम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, इटली जाते हैं कि नहीं जाते हैं। डंकियाँ मत लगाया करो चाहे बाय शिप। बाय शिप की तो सबसे ख़तरनाक गेम होती है, सबसे ख़तरनाक डंकी होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी करना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि बेइज्जती पहन के क्यों काम करते हो, तो ये वजह है आपको समझ लग गई बेइज्जती पहन के क्यों काम करते हैं। समंदर पे काम जाना जुती पहन के करना पड़ता है, और बोट के अंदर जब आपने जाना हो ना तो आप नंगे पैर ही जा सकते हो, जुती समेत नहीं जा सकते, इवन के शूज़ समेत नहीं जा सकते, तो मजबूरी है, क्या करें, चप्पल पहन के काम करना पड़ता है, आदत बन गई है। और फास्ट टाइम समंदर के अंदर बैठना पड़ जाता है तो शूज होंगे तो गीले हो जाएंगे, जाहिर सी बात है, तो जुती में ही गुजारा है। ये देखो आप, मतलब यहाँ जितने भी ये शिप हैं, बोट्स हैं, यार्ड्स हैं, जो भी हैं, ये छोटी बोट्स भी हैं चाहे, सब के सब जो है ना जुती का इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से मुझे जुती में फिरना पड़ता है। बहुत से लोगों को गीला शिकवा है जी कि आप शूज़ क्यों नहीं पहनते। पहनेंगे सर्दी में भाई, इतनी गड़ी सरी गर्मी में शूज़ पहन के मैंने करना भी क्या, मतलब क्या करना है इतनी गर्मी में। इसके अलावा बहुत से लोगों को अभी भी गीला शिकवा है भाई कि ये जो शिप है इनमें हम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, इटली जाते हैं कि नहीं जाते, हमें इसके बारे में भी आगाह करें। देखो दोस्तों, ये तो बहुत वीआईपी किस्म के शिप हैं, जिस तरह के शिपों में लोग जाते हैं ना, वो ज़ाहरी बात है ऐसे पब्लिक पॉइंट से नहीं जाते, वो साइडों पर से जाते हैं, किनारों से जाते हैं, कहाँ से जाते हैं मुझे भी नहीं पता, लेकिन लोग जाते हैं उस तरह के शिपों में। इवन के इस तरह के शिपों में भी जा सकते हैं या जाते हैं, जो भी आप कहना चाहो, मतलब समझदार लोग जो है ना वो समझ जाते हैं, समझाना नहीं पड़ता उनको। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि भाई डंकी अगर लगाने का शौक है ही, पहले तो बात है मैं कभी किसी को डंकी का मशवरा नहीं दिया और मैं देना भी नहीं पसंद करता। तो सामने आ गया था सिक्योरिटी का बंदा, तो इसलिए मैंने वीडियो रोक दी थी। तो वही मैं आपको ये बता रहा था कि डंकी अगर आप लगाना भी चाहते हो लगाओ, कोई आपको रोकेगा नहीं। मैं इवन के जितना मर्जी रोकूँ किसी ने बात तो आना नहीं, लगाने वाले डंकियाँ लगाते रहते हैं, तो डंकी की यही रियलिटी है, डंकी की यही हकीकत है। इसके अलावा फिर भी मैं एट दी एंड यही कहूँगा डंकी मत लगाओ, कोई फ़ायदा नहीं है। जिस तरह के शिपों में वो एजेंट आपसे डंकियाँ लगवाते हैं, आपकी सोच भी नहीं है कि वो किस तरह के खसी और एक्सपायर्ड शिप होते हैं, जिनमें मौत ज़िंदगी का बिल्कुल भी नहीं पता, और ये तो फिर वीआईपी किस्म के शिप हैं। इसके बारे में कुछ सोचा जा सकता है, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है जितना आसान आप लोग सोचते हैं, जितना आपको लगता है कि जी ये बहुत ही सस्ते शिप हैं। एक बार नज़र तो मारो खुदा के पास, इस तरह के वीआईपी शिपों पर, बोट्स पर ज़रा एक बार नज़र मारो, आपकी अकल क्या कहती है कि ये शिप आप अफोर्ड कर सकते हो, खास टंकी के लिए अफोर्ड कर सकते हो, एक बार सोचना। अगर कर सकते हो तो अच्छी बात है। बहरहाल मुझे दीजिएगा इजाज़त, मैं इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। जाते जाते भी यही कहूँगा डंकियाँ मत लगाया करो, ये सिर्फ मैं वीडियोज़ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बनाता हूँ, आपके नॉलेज के लिए बनाता हूँ कि भाई आपको आइडिया हो कि कितना रिस्क लेना पड़ता है जान का, तो यही आपको समझाना चाहता हूँ। डंकियाँ मत लगाया करो चाहे बाय शिप की तो सबसे ख़तरनाक गेम होती है, सबसे ख़तरनाक डंकी होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी करना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। मुझे दीजिएगा इजाज़त, मैं इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।